ऑडियो तीन, पुस्तक का नाम महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, भाग एक, संपादक ब्रह्मवर्चस, बुद्ध जीवन की कुछ अन्य प्रेरक प्रसंग, शाश्वत सनातन आंतरिक सौंदर्य। मगधराज विमसार के लिए आज का दिन बड़े हर्ष और गौरव का दिन है। भगवान बुद्ध लोक यश को निस्सार बताते हैं। वे चाहते हैं ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेद संसार में न रहे, जीव मात्र परस्पर समता, ममता और शुचिता का जीवन यापन करते हुए सुखपूर्वक रहे। वे छोटे बनकर रहना पसंद करते हैं, इसलिए राजकीय अतिथि भवन में ठहरने की अपेक्षा उन्होंने बेल वन को अपना विश्राम स्थल चुना है। तथापि अतिथि वे सम्राट बिंबसार के ही हैं। एक सामान्य परिचारिका से लेकर मगध नरेश तक की आज की सजधज राजभिषेक पर्व को फीका कर रही थी। समस्त स्वागत साज तैयार हैं, किंतु मगध साम्राज्य क्षेमा अब तक अन्य मनस्क है। अंतःपुर के स्वाध्याय कक्ष में वे आचार्य धर्मपालन का जीवन दर्शन पढ़ रही हैं। सागल नरेश भगवान बुद्ध के परम निष्ठावान शिष्य थे। उन्हीं की राजकन्या क्षेमा के अंतःकरण में तथागत के प्रति उपेक्षा का यह भाव खटकने वाला तो था ही। स्वयं नरेश उपस्थित हुए और पूछा, प्रियतमी, समस्त राजप्रसाद तथागत की अगवानी के लिए तैयार है, किंतु आपने अभी तक अपने परिधान भी नहीं बदले हैं। राजकुल अतिथि की यह अवमानना अच्छी नहीं। उठो और स्वागत हेतु शीघ्र तैयार हो जाओ। करवट के साथ पुस्तक का प्रस्तुत पृष्ठ बदलते हुए साम्राज्ञी बोली, महाराज, जिस व्यक्ति के लिए संसार निस्सार हो, सौंदर्य निस्सार हो, उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर संसारी जीव क्या करे? वहां जाऊंगी तो उनका प्रवचन यही तो होगा, यह संसार भ्रम है, सांसारिक सुख मिथ्या है, और मिथ्या है सौंदर्य, जिनके आधार पर ही हम अपने जीवन को सजाते संवारते और सुख की कल्पना करते हैं। आखिर ग्रही हो या विरक्त? बिंबसार बोले, जाना तो एक न एक दिन सबको ही पड़ेगा, इसलिए पारलौकिक लक्ष्य की तैयारी जाने से पूर्व किया जाना ठीक है। यदि इस तरह का ज्ञान और मार्गदर्शन किसी योग्य पथ प्रदर्शक से मिलता है तो इसमें बुरा क्या? इसे तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए। प्रिय साम्राज्ञी ने कोई उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। इसी बीच तथागत वहां आ पहुंचे। समस्त राज परिवार उनके स्वागत में दौड़ पड़ा। भगवान बुद्ध ने क्षेमा जब कन्या ही थी तभी सागल में उसे देखा था। इन्होंने क्षेमा की कुशल क्षेम पूछी और साथ ही समझ भी गए कि उसका सौंदर्य अहंकार ही उसे यहाँ आने में बाधक बना है। इधर वे अन्य सब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उधर उनके योग प्रभाव से क्षेमा को योग निद्रा आ गई। उसने देखा एक अत्यंत सौंदर्यवती अप्सरा भगवान बुद्ध को चवरण रुला रही है। कुछ ही निमिष के स्वप्न में उन्होंने अप्सरा की बाल्यावस्था, यौवन और जरा तीनों अवस्थाएं देखी। उसका शिथिल जर्जर गाल, पके बाल, धंसी आंखें देखते ही क्षेमा का अंतर्मन व्याकुल हो उठा। कहाँ गया उसका यौवन, कहाँ गया वो सौंदर्य जो अंग अंग से काम भाव टपका रहा था। नींद टूट गई और उसके साथ ही उसकी मोह निद्रा भी। मनुष्य जीवन कितना निस्सार है, मनुष्य अपने आप को कितना सजाता संवारता है, पर अंत में विनाश के अतिरिक्त हाथ कुछ नहीं आता। आज सारी भौतिकता बालू के ढेर की भांति ढह गई। क्षेमा दूसरे क्षण तथागत के चरणों में पड़ी क्षमा मांग रही थी और पूछ रही थी आत्मोद्वार का मार्ग। तथागत मुस्कुराए और बोले, बेटी क्षेमा, आत्मोद्धार और आत्मकल्याण का मार्ग मिलेगा अवश्य। तुम अपने बाह्य सौंदर्य को भूलकर भीतरी सौंदर्य की तलाश करो। तुम्हारी जिज्ञासा जितनी प्रबल होती जाएगी, लक्ष्य उतनी ही तेजी से अपने आप आता चला जाएगा। सत्य एक ही है, शाश्वत एवं सनातन है। श्रावस्ती नरेश चंद्रचूर्ण आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान सुना है अनेक धर्म, अनेक संप्रदायों की परस्पर विरोधी मान्यताओं के कारण राजन अत्यधिक विभ्रमित हैं। कल्याणप्रद धर्म को जानने की जिज्ञासा ही उन्हें आपके दर्शनार्थ खींचकर लाई है। आर्य आदेश हो तो उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित करूं, एक भिक्षुक ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया। तब वे श्रावस्ती के एक सघन एकांत में बने संघाराम में विश्राम कर रहे थे। तथागत मुस्कुराए और भिक्षुक की ओर एक खोजपूर्ण दृष्टि डालते हुए बोले, तात, चंद्रचूर्ण महान धर्मात्मा सम्राट है, उन्हें शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। भिक्षुक चला गया। थोड़ी ही देर में महाराज चंद्रचूर्ण तथागत भगवान बुद्ध के समीप आ पहुंचे। देवमूर्ति को मंगल प्रणाम निवेदन कर वे एक सामान्य अभ्यागत की भांति एक और बैठ गए। जिज्ञासु की उपयुक्त श्रद्धा ही साधक के अंतःकरण में सत्य का प्रकाश लाती है। श्रद्धा अर्थात समर्पण, अपने मन को कोरा कागज बनाकर प्रस्तुत करना ताकि सत्य का प्रतिबिंब उसमें यथावत झांक सके। भगवान महाराज की विनम्रता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।
पर उन्हें इस बात का हार्दिक दुख भी हुआ कि व्यक्ति की श्रद्धा का तथाकथित स्वार्थ और संप्रदायवादी साधु संत किस तरह शोषण करते हैं। श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है संदेह नहीं, किंतु बुद्धिहीन श्रद्धा जहर मिले दूध की तरह अभिशाप भी है, जो शिष्य और मार्गदर्शक दोनों का ही अहित करती है। बात थोड़ी टेढ़ी थी। चंद्रचूड़ का समाधान सारी प्रजा का समाधान हो सकता था, इसलिए बात इस ढंग से समझानी आवश्यक थी जिससे चंद्रचूड़ को मत मतांतरों का वितंडावाद फिर विभ्रमित नहीं कर पाता और उनकी श्रद्धा का विनाश भी बच जाता। दिग्भ्रांत बुद्धि ही नास्तिकता है, वे यह बात जानते थे। अतएव जिज्ञासु का समुचित समाधान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी था। तब तो उन्होंने महाराज के विश्राम की व्यवस्था कराई और सामान्य कुशल मंगल की चर्चा तक ही विचार विमर्श सीमित रखा। किंतु जैसे ही प्रातःकाल हुआ, संघाराम में निवास करने वाले स्नातक अभ्यागत यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वहां प्रातःकाल से ही एक मोटा बलवान हाथी खड़ा है और एक और श्रावस्ती के अनेक जन्मांत बैठे हुए कुछ चर्चा कर रहे हैं। महाराज चंद्रचूड़ को साथ लेकर तथागत वहां पहुंचे। उन्होंने अंधों से प्रश्न किया, बांधव आप लोगों ने हाथी देखा है क्या? नहीं भगवान, सबने करबद्ध एक स्वर से निवेदन किया। ठीक है, कहकर बुद्ध ने एक एक अंधे को हाथी दिखाया। हाथ से टटोलते हुए किसी ने हाथी की पीठ, किसी ने सूंड, किसी ने कान, दांत तथा पांव को देखकर ही उन्होंने उसी अंग को हाथी समझा तथा यह जानकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज उनकी हाथी से पहचान हो गई। अब तथागत ने प्रश्न किया, बताइए हाथी कैसा होता है? एक ने उत्तर दिया, खम्बे की तरह। उस बेचारे ने हाथी के पांव स्पर्श किए थे तो कान वाले ने हाथी की आकृति सूप जैसी बताई, पूंछ वाले ने उसे रज्जो यथा बताया, सिर वाले ने पत्थर के समान। यह सब सुनते ही महाराज चंद्रचूड़ हंस पड़े और बोले, भगवान यह सब तो हाथी के किसी अंग भर की जानकारी दे रहे हैं। हाथी तो इन सब जानकारियों से मिलीजुली आकृति का होता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तात धर्म का सनातन स्वरूप भी ऐसा ही है। मत मतांतर एक एक अंग की समीक्षा, प्रशंसा और प्रचार करते हैं। उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं, उन सब में समन्वय में ही धर्म का मर्म छिपा हुआ है। उठो, अपनी विवेक बुद्धि से हर ग्रंथ हर पंथ को टटोलो तो सत्य धर्म का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। सफलताएं टिकी हैं प्रचंड मनोबल पर। भिक्षु संघ के साथ विहार करते हुए भगवान बुद्ध शाल्य वन में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म चर्चा के प्रसंग में एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी बड़े बड़े कार्य कर दिखाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्या पूर्व जन्मों के पाप अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? नहीं, तथागत ने कहा और एक कथा सुनाने लगे। विराट नगर के राजा सुकीर्ति के पास लोशंग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। शैशव से ही लोशंग को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वह युद्ध कला में बड़ा प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लोशंग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। लेकिन जन्म के बाद जिस प्रकार सभी प्राणियों को युवा और जरावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम से लोशंग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वो हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी और पहले जैसा ध्यान नहीं दिया जाता था। उसे मिलने वाले भोजन में कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता, वह भी कई बार चूक कर जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता। बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लोशंग हाथीशाला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्रायः ले जाया जाता था। उसने भरपेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता उतना ही फंसता जाता और आखिर गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के कई प्रयास किए गए पर सभी निष्फल रहे। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु मुख में जाते देखकर सभी खिन्न थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक चतुर सैनिक ने युक्ति सुझाई। इसके अनुसार हाथी को निकालने वाले सभी प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई।
वे वाद्य यंत्र मंगाए गए जो युद्ध के अवसर पर उपयोग में लाए जाते थे। हाथी के सामने युद्ध नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लोह संघ की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लोह संघ में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगार लगाई तथा शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर टूट पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनाकर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वह जाग उठे तो असहाय और अवश प्राणी भी असंभव होने वाले काम कर दिखाते हैं तथा मनुष्य अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करते हैं। निष्काम सेवा बुद्धि सर्वोपरि साधन। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन में कुछ जिज्ञासुओं को जीवन की सही दिशा में अभिप्रेरित कर तथागत ने आत्मकल्याण के लिए सभी मुमुक्षु जनों को आह्वान किया और हजारों लोग धर्मम शरणम गच्छामि की प्रतिज्ञा कर आगे आए। इस आह्वान को घर घर पहुंचाने के लिए जो उत्साही जन कृत संकल्प हुए, उन्होंने समस्त पारिवारिक और सांसारिक दायित्वों से उपराम होकर स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने को आत्मदान किया। इन्हीं लोक सेवी उत्साही और संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर लोक मंगल का कार्य करने के लिए उद्वत मनस्वी साहसियों का एक संगठन बना। भिक्षु संघ और संघ के सदस्य भिक्षु कहे जाने लगे। एक एक भिक्षु का तथागत को ध्यान था और यह भी कि कौन कैसा है। एक बार उन्हें किसी भिक्षु का समाचार नहीं मिला और न ही वह दिखाई दिया। अपने समीप खड़े भिक्षु भदंत आनंद से उन्होंने पूछा कि अमुक भिक्षु कहाँ है, तो भदंत आनंद ने उत्तर दिया, वह अतिसार से पीड़ित है। सुनते ही तथागत बोले, चलो उसे देख आए। भदंत आनंद और कुछ अन्य भिक्षु भी बुद्ध के साथ हो लिए। बुद्ध ने देखा रुग्ण भिक्षु अपनी कुटिया में अकेला बेसुध पड़ा है। किसी के द्वारा परिचर्या न किए जाने के कारण वह कुटिया में ही मलमूत्र से लिपटा सना पड़ा था। भगवान ने उसे देखकर कहा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे अतिसार है भगवान, भिक्षु ने कहा। क्या कोई भी तुम्हारी परिचर्या को नहीं आया? नहीं आया भगवान। तो भिक्षु ऐसा क्यों हुआ कि भिक्षु भाल तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान ने सब योग साधनाओं में निरत रहते हैं, मैंने यही सुना है, इसलिए उन्हें मेरी चिंता नहीं है, यह भी वे लोग कहते हैं। अपने पास खड़े भिक्षुओं से कुछ न कहते हुए तथागत ने भदंत आनंद से कहा, जाओ आनंद, जल ले आओ, हम इस भाई की सेवा करेंगे। हाँ भगवान, आनंद ने कहा और जल लेने को चल दिया। जब जल कलश आ पहुंचा तो भगवान ने स्वयं जल डाला और अपने ही हाथों से भिक्षु का सारा शरीर धोया। तथागत को स्वयं परिचर्या करते देख वहां खड़े भिक्षु गण भी परिचर्या में हाथ बटाने लगे। तथागत ने किसी से कुछ कहा नहीं। संध्या होने को थी। संध्याकालीन प्रार्थना के लिए सभी भिक्षुगण एकत्र हो रहे थे। परिचर्या के उपरांत तथागत बैठक में पहुंचे और उन्होंने बिना किसी भूमिका के भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, क्या हम में से कोई एक भिक्षु रोगी है? हाँ भगवान, है। तो उसे क्या कष्ट है? भगवान, उस भाई को अतिसार है। उसकी देखभाल कौन कर रहा है? कोई नहीं। क्यों? सब चुप थे। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, फिर बुद्धि ही बोले, मैं जानता हूँ तुम सबको अपने आत्मकल्याण की चिंता है, पर याद रखो, योग साधनाओं से वह संभव है या नहीं है तो मुझे ज्ञात नहीं, पर जो सच्चे हृदय से दुखी जनों की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, उनकी स्वर्ग मुक्ति आत्मकल्याण सर्वथा अक्षुण है, उसे कोई भी उससे विचलित नहीं कर सकता। आत्म एव सनातनो। आर्य पिता शुद्धोधन ने अनुपति दे दी है तात, राज प्रसाद में घिरा हुआ जीवन नीरस सा प्रतीत होता है। राज्य भोग अब तृप्ति नहीं दे पाते। प्रकृति माता की गोद आकर्षित करती है, उठो और स्यंदन साजो, हम वन विहार के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने सारथी को संबोधित करते हुए कहा। राजकुमार की आज्ञा शिरोधार्य कहकर सूतक ने उन्हें प्रणाम किया। अश्वशाला के शिष्टतम चार चारू काबुली है निकाले और राश बांधी, अंबारी डाली और चंदन के बने रथ पर उन्हें जोत दिया। स्वर्ण तार जड़ित राजसी परिधान धारण कर राजकुमार राजभवन से बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा छिटक कर निकल आया हो। सेवकों ने बढ़कर सहारा दिया। सिद्धार्थ रथारूढ़ हुए और अश्वदल द्रुत गति से आगे बढ़ चला। राजधानी के गगनचुंबी भवन पार कर रथ जनपथ पर मंद मंथर से गति से आगे बढ़ रहा था, तभी एक महिला पथ पार करने की शीघ्रता में लड़खड़ाकर गिर गई। वैरागी राजकुमार के आदेश से रथ रुक गया।
कुछ लोग आगे आए। महिला को उठाते हुए उन्होंने अभ्यर्थना की, कुमार देव रथ के कारण नहीं महिला अभावजन्य स्थिति के कारण गिर गई है। महाराज निर्धनता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। चार पुत्र पहले हो चुके हैं, उस पर भी मातृत्व बोझ। सूखी रोटियां पर पलने वाली इस अभागिन को दो दिन से अन्न भी नहीं मिला, इसी से अशक्त हो गई है यह। इसमें आपका क्या दोष? आप वन विहार के लिए जाइए देव, जाइए। सूत पुत्र ने रथ आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, तात अभाव किसे कहते हैं? यह महिला क्यों अभावग्रस्त है? हम अभावग्रस्त क्यों नहीं? सूत ने फिर सिर ऊपर आकाश की ओर उठाया और फिर अश्वों की राश ढीली करते हुए कहा, आर्य पुत्र, जीवन यापन की सामान्य सुविधाओं का उपलब्ध न होना अभाव है। संसार के लोग इस स्थिति में इसलिए हैं कि कुछ लोग संपत्ति का परिग्रह करने को बड़प्पन मानते हैं। आप राजपुत्र हैं महाराज, सारी प्रजा के परिश्रम का लाभ आपको मिलता है, तो आपको क्या अभाव होगा? अभावग्रस्त तो प्रजा होती है, जिसे मात्र शोषण की वस्तु मानकर सत्ताधारी लोग सताया करते हैं। असमानता संसार का एक दुख है। रथ अब राजधानी पार कर चुका था, तभी आगे से आते हुआ दिखाई दिया वृद्ध। जरा ने जीर्ण कर दिया था गात, जिसका कमर झुक गई थी, दांत टूट गए थे, आंखें धस गई थी। एक लकड़ी के सहारे चल रहे उस वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ ने दूसरा प्रश्न किया, सारथी, इन आर्य पुरुष को क्या हुआ है जो ये झुककर चलते हैं? दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सारथी ने निवेदन किया, तात, यह शरीर की चौथी अवस्था जरावस्था, सबको ही एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। संसार का कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं पाता। इंद्रियों की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, तब चाहे वह मूर्ख हो या पंडित, ग्रस्त हो या विरक्त, रंक हो या राजा, सबकी यही अवस्था होती है। हम भी नहीं बच सकते तात, हमें तो कोई अभाव नहीं। विधाता को हम जरा को दूर रखने के लिए स्वर्ण दे सकते हैं, मणि मुक्ता दे सकते हैं, सिद्धार्थ कह रहे थे और सारथी समझा रहा था। तात, संसार के तुच्छ लोग लोभ और लालच में पड़कर नैतिकता का नियमोल्लंघन कर सकते हैं। ईश्वरीय विधान तो पत्थर की चट्टान के समान अटल और अड़िग होते हैं। क्रम अभी चल ही रहा था कि सामने से कुछ ग्रामीण जन आते दिखाई दिए। वंश खपाटिकाओं पर श्वेत वस्त्र वेष्टित कोई वस्तु चार व्यक्ति अपने कंधों पर रखे चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही सारथी ने रथ खड़ा कर दिया। रथ से उतरकर सारथी तीन पग आगे बढ़ा और भूमि प्रणाम कर प्रदक्षिणा की और फिर रथ में आ बैठा और अश्व फिर चल पड़े। राजकुमार जो अभी चित्रवत देख रहे थे बोले, सारथी, यह कौन लोग हैं? इनके कंधों पर क्या है? तुम इन्हें देखकर रथ से क्यों उतरे? तुमने किस देवता को प्रणाम किया? एक दिन एक बच्चा था तात, फिर वो बड़ा हुआ। सारथी समझ रहा था सिद्धार्थ को, मानो वो कक्षा अ वर्ग के नव प्रविष्टि विद्यार्थी हो। उसने विवाह किया, संतानोत्पत्ति की, धन ऐश्वर्य भवन पुत्र कलम, न मालूम क्या क्या अर्जित किया उसने, पर मृत्यु के एक ही आक्रमण से इसे धराशायी कर दिया। मृत्यु के मुख में गया वही बालक है यह। आर्य अब लोग इसे ले जाएंगे और अग्नि में भस्मसात कर देंगे इसके पार्थिव शरीर को। मृत्यु का यह देवता बड़ा प्रबल है, इसे हर कोई प्रणाम करता है। तात, इससे आप भी बच नहीं सकते। सांसारिक विषमताएं, जरा और मृत्यु, फिर संसार का सत्य क्या है, सनातन क्या है? सूत पुत्र, राजकुमार का गला भराया था, भावनाएं उमड़ने लगी थी। सारथी ने समझाया, तात, ज्ञानी जन कहते हैं सत्य और सनातन तो यह आत्मा है जो उसे प्राप्त कर लेता है। पार्थिव अभाव, अशक्ति, अज्ञान उसे दुखी नहीं कर पाते। ठीक है सूत पुत्र, अब तुम रथ रोक दो। पग पग पर परिवर्तनी सांसारिक सुख और वैभव व्यर्थ है। आत्मा ही शाश्वत है, तो फिर आत्मा को ही प्राप्त करना चाहिए, और अब मैं उसे ही प्राप्त करने जाऊंगा। तुम यह रथ, यह संदेश लेकर लौट जाओ कि सिद्धार्थ अब कभी लौट कर नहीं आएगा। सूतक खड़ा खड़ा निर्निमेश देख रहा था और तब तक खड़ा देखता रहा जब तक कि लक्ष्य सिद्धि का साधक सिद्धार्थ पूरी तरह आंखों से ओझल नहीं हो गया। साधना का मर्म। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन अभियान देशव्यापी हो रहा था। भाव भरे अंतःकरण प्रचंड वैचारिक क्रांति की लहरों से आंदोलित हो रहे थे। एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं इस युग अभियान में हिस्सा बटाने के लिए सुख तथा ऐशो आराम से भरे पूरे जीवन को तिलांजलि देकर आगे आ रही थी। धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए प्रवज्ञा ग्रहण करने वालों में से एक युवा राजकुमार भी था। उसका नाम था श्रोण। श्रोण कभी अत्यंत विलासी और भोगी था। वह कभी महल के बाहर नहीं निकलता था।
आमोद प्रमोद में ही उसका समय बीतता था। खुले आसमान की कड़ी धूप उसने कभी नहीं सही थी। जिस मार्ग से चलता उसमें फूल और मखमल की चट्टियां बिछाई जाती थी। किशोर बालाएं उसे नहलाती तथा श्रृंगार करती थी। अत्यंत रूपवती पत्नी थी जो हर समय से उसका मन बहलाती थी। पर अब तो उसे सारे सुख निस्सार जान पड़ रहे थे। संन्यास ग्रहण करते ही शोण की कठोर साधना आरंभ हुई। जो कभी मखमल पर पैर रखकर चलता था आज वह कांटों पर चल रहा था। दूसरे भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते थे, वह कई दिनों तक निराहार रहता था। परिव्रज्या के लिए परिभ्रमण में अन्य भिक्षु कड़ी धूप में बचने के लिए वृक्षों की छाया में बैठते थे। श्रोण जान बूझ कर कड़ी धूप में खड़ा रहता। सर्दी से बचाव के लिए वह वस्त्रों का प्रयोग नहीं करता, नग्न पड़ा रहता था। सुकुमार कोमलकाया इस दबाव को सहन न कर सकी, सूख कर काली पड़ गई। पैरों में कांटे चुभने एवं छाले पड़ जाने के कारण खून और मवाद बहने लगा। ऐसा लगता था कि श्रोण ने तप के नाम पर शरीर का अस्तित्व ही समाप्त कर लेने का संकल्प कर रखा हो। शारीरिक वेदना के साथ साथ मन में व्यग्रता, असंतोष और अशांति भी बढ़ती जा रही थी। भगवान बुद्ध को उसकी सूचना मिली। महाप्राज्ञ को यह समझते देर लगी, दिग्भ्रांत है श्रोण से उन्होंने पूछा, वत्स, तुम तो सितार बजाने में पारंगत हो। स्वीकृति में श्रोण ने सिर हिलाया। बुद्ध ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि वीणा के तार ढीले हो तो क्या संगीत पैदा होगा? नहीं, श्रोण ने उत्तर दिया। और यदि अत्यधिक कसे हो तो? बुद्ध ने कहा, तो बजाने पर तार टूट जाएंगे, श्रोण का उत्तर था। भगवान बुद्ध ने तीसरा प्रश्न पूछा, सुमधुर संगीत का क्या रहस्य है? श्रोण ने कहा, वीणा के तार न तो ढीले हो और न ही अधिक कसे हुए। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा, वत्स, जीवन रूपी वीणा का भी यही नियम है। शांति, संतोष एवं आनंद से युक्त संगीत की लहरें जीवन रूपी वीणा से तभी प्रस्फुटित होती हैं जब तार न हो तो। अधिक शरीर की ओर कसे हो और न ही आत्मा की ओर ढीले। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। मंदिर टूटा फूटा जरा जीर्ण होगा तो उसमें निवास करने वाले देवता भला कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? वीणा के तारों की भांति शरीर और मन को कैसे, पर इतना नहीं कि वे टूट जाएं और जीवन रूपी संगीत निकालने में असमर्थ हो जाएं। श्रोण को अपनी त्रुटि का भान हुआ। साधना का मर्म समझते और उसके अनुरूप संतुलित मार्ग अपनाने से मन की व्यथा वेदना तथा अशांति दूर हुई। शांति, संतोष और आनंद की धाराएं बह चली, जिसमें अवगाहन कर श्रोण धर्म चक्र प्रवर्तन में अग्रम भूमिका निभाने चल पड़ा।